देखो फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सावन का पहला सोमवार आज है, मंदिरों में भक्तों का तांता देखा जा रहा है और बम बम बोले के जयकारे भी गूंज रहे हैं। तो आज पावन माह की शुरुआत हो चुकी है और सावन सोमवार का आज पहला दिन है और ये तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं, जहाँ कोरोना के चलते पहले तो काफी ज्यादा तादाद में कमी देखी जा रही है, पर फिर भी जो बाबा महाकाल के भक्त हैं उनकी श्रद्धा आस्था में कमी कहीं भी नहीं देखी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में राजधानी भोपाल से दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं और राजधानी रायपुर से हमारे साथ में सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, सबसे पहले आपका रुख करूंगी कि पावन माह की शुरुआत हो चुकी है और आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है। सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि कोरोना की मार है तो किस तरह से इस बार भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और किस तरह से सावन सोमवार मना रहे हैं। बिल्कुल, आज सावन माह का पहला सोमवार है। आपको दिखाना चाहेंगे कि हम आज हरतेश्वर महादेव मंदिर में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ का मुख्य द्वार जो है वो बंद कर दिया गया है और यहाँ के पीछे द्वार से भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। पीछे द्वार में सैनिटाइजर मशीन की जो सुविधा है वो यहाँ पर होगी और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार में भी यहाँ पर जो है भगवान शिव को चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर बेलपत्र और फूल से जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना भी जो है वो की जा रही है। मुख्य द्वार से यहाँ पर जो भक्त है वो पूजा की सामग्री यहाँ पर रख कर जो है जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है और साथ ही हमारे साथ कुछ भक्तगण भी मौजूद है, तो हम उनसे भी जानते हैं। काफी सालों की परंपरा यहाँ पर टूटी है, आप यहाँ पर पूजा करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी जो महामारी वैश्विक महामारी कोरोना COVID-19 के खातिर आज एहतियात के तौर पर दर्शन कराया जा रहा है। लोगों को 5 मीटर की दूरी गैप बना के लोग दर्शन कर रहे हैं, बाकायदा मशीन लगी हुई है जिससे लोग सैनिटाइज हो रहे हैं, उसके बाद दर्शन करने जा रहे हैं। और अंदर भी जल और नारियल चढ़ाने की सुविधा नहीं है क्योंकि बीमारी ऐसे रूप में फैली हुई है, तो दूर से लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है और भक्त जनों का जमावड़ा लगा हुआ। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले सावन में COVID-19 जैसी महामारी से हिंदुस्तान और पूरे विश्व में इसे निजात दिलाए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर भक्त जो है वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ से मनोकामना भी करते आ रहे हैं कि COVID-19 की बीमारी से जो है निजात मिल रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आप गए थे अंदर दर्शन करने, क्या कुछ सुविधा वहाँ पर रही है? नहीं, कोई सुविधा नहीं है, अच्छा लगा मेरे को। सैनिटाइजर की जो व्यवस्था है वो थी प्रॉपर? जी है, बहुत। और जलाभिषेक जो नारियल चढ़ाते हैं भगवान में वो अनुमति? सब बंद कुछ। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर आ चुके भक्तों ने कहा कि यहाँ पर भगवान शिव को नारियल चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, साथ ही यहाँ पर जलाभिषेक भी नहीं कर पा रहे हैं ये सभी, और साथ ही सैनिटाइजर टनल के द्वारा जो है इनका प्रवेश दिया जा रहा है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कुछ भक्तगण है वो प्रवेश कर रहे हैं। और बिल्कुल सुप्रिया, कई सारी पाबंदियां राजधानी रायपुर में देखने को मिली है। दुर्गेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दुर्गेश का रुख करूंगी। दुर्गेश, जैसा कि हमने सुना अभी सुप्रिया ने बताया कि कई सारी पाबंदियां छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई है, किसी तरह की पाबंदी राजधानी भोपाल में भी देखी जा रही है, किस तरह से पहला सोमवार सावन सोमवार भक्त मना रहे हैं? बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है और श्रावण मास, क्योंकि महादेव को सबसे प्रिय महीना होता है, इसी मास में भगवान शिव और पार्वती जी का मांगलिक मिलन हुआ था, इसलिए भगवान शिव को बहुत प्रिय श्रावण सोमवार माना जाता है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के एक बड़देव महादेव के मंदिर पर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नियमों बहुत सारी पाबंदियों के साथ में भगवान शिव की आराधना करने यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी के बावजूद भी जो भक्त और भगवान का अनूठा प्रेम है वह यहाँ स्पष्ट तौर से देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वह दिखाएं कि जिस तरीके से यह भगवान शिव का गर्भगृह है और गर्भगृह पर अंदर भक्त नहीं जा सकेंगे,
भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। यहाँ से भगवान शिव को भक्त जल अंदर चढ़ा सकते हैं गर्भगृह तक, ताकि भगवान शिव को जल चढ़ जाए। और यहाँ पर जो यदि हम भक्तों की बात करें तो भक्तों का आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तांता लगा हुआ है, क्योंकि महामारी चल रही है, महामारी के चलते के बावजूद भी भक्त अपने घरों से बाहर निकल कर सावन सोमवार के इस पावन महीने पर भगवान की आराधना करने, भक्ति करने यहाँ मंदिर पर आ रहे हैं। और स्पष्ट तौर से भगवान शिव का, भगवान की और भक्त का अनूठा प्रेम इससे देखा जा सकता है। जो भगवान की भक्त की अनूठी भक्ति है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिरकार भले कोरोना महामारी क्यों ना हो, कोरोना बीमारी क्यों ना हो, लेकिन भगवान से, भक्त को भगवान से जुदा नहीं किया जा सकता है, चाहे वे कितनी बड़ी महामारी क्यों ना हो। और स्पष्ट इसका साक्षात उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ महिलाएं भी लगी हुई हैं। अच्छा, कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का जो पालन किया जाता है, वह भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए महिलाएं दर्शन के लिए लाइन पर लगी हुई हैं, मास्क लगाकर महिलाएं आ रही हैं ताकि कोरोना महामारी नहीं फैले। और इस तरह से इस मंदिर पर जो भक्तों का तांता लगा हुआ है, आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि आज सावन सोमवार के पहले सोमवार में भक्त यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने आए हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। यह महीना सबसे प्रिय माना जाता है भगवान शिव के लिए। ऐसा मानना है हिंदू धर्म के मुताबिक कि जो भी भक्त इस महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं, सच्चे मन से पूजा कर। दुर्गेश, क्या आपकी भक्तों से बात हो सकती है कि क्या कुछ आस्था लेकर वो मंदिर में आए हैं? बिल्कुल, मैं आपको ले चलता हूँ स्पष्ट तौर से जहाँ पर यहाँ लाइन पर लगी हुई कुछ भक्त महिलाएं हैं। माताराम, दर्शन करने आई हैं आप? दर्शन करने आए। सावन सोमवार का पहला महीना है, कोरोना महामारी चल रही है, उसके बाद भी इसको क्या कहेंगे, भक्त तो भगवान का अनूठा प्रेम कहेंगे। और क्या कहेंगी आप यहाँ पर दर्शन करने आई हैं? बहुत जन, साल भर में एक बार आता है सावन का महीना, आज पहला दिन भोलेनाथ का, सबकी मनोकामना पूरी होती है। पहली मनोकामना क्या रहेगी, कोरोना महामारी जाए, खत्म होना चाहिए। हाँ, पहले जाइए, महामारी जाए, खत्म हो जाए। जिस तरीके से यहाँ पर और भी भक्तगण मौजूद है, हम ले चलते हैं। दीदी, दर्शन करने आई है भगवान शिव की आप यहाँ पर, और कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन मास्क नहीं पहना है आपने, क्या आप क्या मनोकामना लेकर आई है भगवान शिव के यहाँ? सभी की जो बीमारी चल रही है कोरोना महामारी, इससे मतलब पूरा विश्व लड़ रहा है आज, तो सभी लोग परेशान है, तो इससे मतलब सभी लोग मुक्त हो जाए इस बीमारी से। यही प्रार्थना करना चाहती हूँ शंकर भगवान से, सभी लोग परेशान है आज इस बीमारी से, मतलब बीमारी पूरी तरह से चली जाए जल्दी से जल्दी। भगवान से आपने कुछ, जिस तरीके से माना जाता है कि यह महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है, भगवान के लिए बड़ा प्रिय महीना होता है, उसमें भगवान से भी कोई मनोकामना मांगी जाती है, आराधना की जाती है, तो मनोकामना पूरी होती है, आप क्या मनोकामना लेकर आएंगे? मैं इसी मनोकामना के लिए आई हूँ, कोरोना महामारी के लिए। तो इस तरीके से अमनदीप, यहाँ पर जो भक्तों का मानना है, भले कोरोना महामारी क्यों ना चल रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो भक्त हैं वह भगवान के दर्शन करने आए हैं, और साथ ही मनोकामना पूरी करने आए हैं, अपनी मनोकामना मांगेंगी। उस सबसे पहली जो कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी को खत्म करने की भी यह मनोकामना मांगेगी, ताकि इस विश्व को जल्द से इस कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल जाए। लोगों की यही मनोकामना है कि जल्द से जल्द जो कोरोना है उससे मुक्ति मिले भारत को। और हमारे साथ में रायपुर से मैं आपसे गुजारिश करूंगी दुर्गेश की, एक बार मंदिर परिसर को दिखाने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और किस तरह का नजारा मंदिर का आज देखा जा रहा है। मैं आपको मंदिर का नजारा दिखाऊंगा। सबसे पहले मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वह स्पष्ट तौर से देखी जा सकती हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है, यहाँ सोशल डिस्टेंस का प्रॉपर तरीके से पालन किया जा रहा है, सभी भक्त मास्क लगाकर आ रहे हैं ताकि कोरोना महामारी से बच सके। यहाँ पर मास्क के साथ में वो अपनी आंखों में बचने के लिए जो ग्लास है वो भी लगाकर आए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, सर आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और कोरोना महामारी के जो नियम बनाए गए थे वो भी पालन करते हुए आए भगवान के दर्शन करने? जी हाँ, भोलेनाथ की कृपा है कि सभी लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाबा की आराधना करें। कहीं ना कहीं डर है कोरोना महामारी से? डरना क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, चाहे प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री, चाहे आम आदमी, सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और कोरोना का नियंत्रण करना है। आप ये पूरी व्यवस्था से आए हैं प्रोटेक्शन के साथ में? हाँ, प्राय सभी लोग प्रोटेक्शन की व्यवस्था के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से कुछ भक्त हैं प्रॉपर तरीके से जो नियमों के साथ में, पाबंदियों के साथ में आ रहे हैं। दुर्गेश, और मंदिर की तरफ से भी काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, बावजूद इसके तस्वीरों में देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी मास्क नहीं लगाया हुआ है और लगातार लापरवाही बरती जा रही है। सुप्रिया, आपका रुख करूंगी कि जिस तरह से देखा कि कोरोना काल में भी जो भक्तों का तांता है वो कम नहीं हो रहा है, और जो बाबा महाकाल के भक्त हैं
महाकाल के लिए उनका क्रेज कम नहीं हो रहा है इस कोरोना काल में भी। तो छत्तीसगढ़ में भी जो तादाद है भक्तों की, उसमें किसी तरह की कोई कमी देखी जा रही है क्या? बिल्कुल, अभी जो आप देख सकते हैं हम मंदिर प्रांगण के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर अभी भी जो है भीड़ जो है वो कम है, लेकिन पहले के मुकाबले कम है, लेकिन अभी भी जो महादेव के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा यहाँ पर होने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लड़कियों से भी हम बात करना चाहेंगे। वो सावन सोमवार में उपवास भी रखती है और ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार में भगवान शिव की उपासना करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। बिल्कुल, और इसीलिए शिव जी का जो क्रेज है वो आज के युवाओं में बहुत ज्यादा देखा जाता है। सुप्रिया, मैं चाहूंगी एक बार बिल्कुल देखा जाता है और यहाँ पर आप देख सकते जी। तो एक बार मंदिर परिसर की तस्वीर मैं कहूंगी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, और साथ ही जो मंदिर खुले थे उस समय जो व्यवस्था की गई थी कि घंटा नहीं लगाया जाएगा और सैनिटाइजर वहां पर बॉटल रखी गई थी कि कोई भी अगर आता है तो हाथ सैनिटाइज करेगा फिर ही मंदिर में प्रवेश करेगा, तो जो उस समय पर सावधानियां बरती जा रही थी वो क्या अभी भी लागू की गई है? जी बिल्कुल, ये मंदिर परिसर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये मंदिर है, यहाँ पर अंदर से जो है सभी भक्त गण जो है वो प्रवेश कर रहे हैं और इसके अलावा जो मुख्य द्वार है महादेव का वो बंद कर दिया गया। यहाँ पर कुछ भक्त हैं वो भी ऐसे ही बाहर से ही आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो काफी हद तक बना हुआ है, सभी ने जो है मास्क लगाया हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर दर्शन जो है वो भक्तों के द्वारा की जा रही है। और साथ ही हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, वो हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे संपर्क अभी हो नहीं पाया। बिल्कुल, सुप्रिया आप हमारे साथ पे बने रही है, दुर्गेश का रुख करूंगी मैं। दुर्गेश, जैसा कि इससे पहले हमने तस्वीरों में देखा था कि इक्का दुक्का लोग अभी भी ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो ऐसे लोगों पर किसी तरह की कोई रोक टोक मंदिर परिसर के द्वारा की जा रही है? बिल्कुल अमनदीप, मेरे साथ यहाँ पर मंदिर के जो संयोजक हैं वह मौजूद हैं जो मंदिर की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या पाबंदियां लगाई गई हैं जो मास्क लगाकर नहीं आए। सर, जिस तरीके से आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है, यहाँ पर कुछ भक्त आ रहे हैं जो मास्क नहीं भी लगाए हुए हैं, क्या नियम क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपकी तरफ से? यहाँ पर बिना मास्क वालों को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है, या फिर बाहर दुकानें हैं वो वहाँ से मास्क पहनकर खरीद ले और लगा ले वो। दूसरा, शासन के निर्देश अनुसार लोगों को मूर्ति से टच करने की परमिशन यहाँ नहीं दी गई है। लोग बड़े दुखी थे तो ये पाइप से ऐसी व्यवस्था करिए कि बाबा का अभिषेक वो अपने हाथ से स्वयं कर सके और सावन के महीने में अपनी मन मुराद पूरी कर सके। ये जो पाइप की व्यवस्था है ये परमानेंट हमेशा रहती थी पहले की, अभी कोरोना महामारी के चलते व्यवस्था? नहीं, ये तो अभी कोरोना महामारी के चलते जब 15 तारीख से मंदिर खुले थे तो लोगों को केवल दर्शन करने दिए जा रहा था, तो लोग दुखी थे कि यार कैसे करेंगे। यहाँ लोगों की आदत थी बरसों से कि वहीं बाबा के पास बैठ के उनकी पूजन करते अपने हाथ से स्वयं, तो वो एक दुख था कि यार अपन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो श्रावण का मास आ रहा है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ये कल से सारी व्यवस्था करी है। तो सुप्रिया आपका रुख करूंगी मैं। सुप्रिया, क्या आपकी वहां पर जो भक्त मौजूद है किसी से बात हो पा रही है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और सावन के माह में जो है उपवास रहने का काफी महत्व होता है, ऐसा कहा जाता है कि अच्छे वर की प्राप्ति होती है, तो क्या आप उपवास में? तो जैसा कि हम दूसरे महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या आप उपवास यहाँ पर रहती है इस बार सावन सोमवार में आपका व्रत? जी व्रत है मेरा सावन सोमवार। कब से रख रही हैं आप ये व्रत? अभी फर्स्ट है। तो जैसा कि आपने सुना कि पहला व्रत है और ऐसे ही तमाम जो महिलाएं हैं उनका जो व्रत है वो सावन के महीने में काफी महत्व जो है वो माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है पुराणों के अनुसार कि उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है, तो इस वजह से। बिल्कुल सुप्रिया, और शायद यही कारण है कि जो लड़कियां हैं वो व्रत तो रखती हैं पर कहीं ना कहीं बोलने से बचती नजर आती हैं। दुर्गेश, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, और सुप्रिया आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे राजधानी भोपाल और राजधानी रायपुर के मंदिरों की, जहां पर आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर का जो प्रबंधन है चाक चौबंद व्यवस्था देखी जा रही है, और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं बाबा महाकाल के दरबार
की उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर कोरोना काल में भी भक्तों का जुटाता है वो लगातार देखा जा रहा है, पर मुकाबले पहले के अभी काफी संख्या में जो श्रद्धालु है उनमें कमी देखी जा रही है।